नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है बड़ी खबर के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के एक और आरोपी और माफिया अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया है। प्रयागराज के नेहरू पार्क से ये मुठभेड़ हुई, जहां आरोपी अरबाज को ढेर कर दिया गया है। अरबाज की बात करें तो माफिया डॉन अतीक अहमद का खास गुड्डू मुस्लिम का सबसे भरोसेमंद था। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उमेश पाल पर हमले के वक्त अरबाज ही वो सफेद क्रेटा गाड़ी चला रहा था, जिसमें हमलावर सवार थे। उमेश पाल की हत्या की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अरबाज का आपराधिक खंगाल रही है इतिहास, जहां वारदात के 72 घंटे के भीतर ही पुलिस ने एनकाउंटर में उमेश हत्याकांड के आरोपी अरबाज को मार गिराया है। आपको बता दें कि वारदात के दूसरे दिन ही विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि घटना में शामिल कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, सभी माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम के अल्टीमेटम के ठीक 72 घंटे बाद पुलिस ने अरबाज नाम के एक आरोपी को मार गिराया। तो देखिए, एनकाउंटर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से रात भर घेरेबंदी करने के बाद, नाकेबंदी करने के बाद जब ये इनपुट मिला तो पुलिस की टीम मौके पर, धमकी मुठभेड़ हुआ, उधर से भी फायरिंग की कोशिश हुई। इस दरमियान घायल शख्स को लेकर के देखिए किस तरीके से पुलिस जाती रही। अल्टीमेटम के ठीक 72 घंटे बाद अरबाज को ढेर कर दिया पुलिस ने। अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र आफाक, जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पर आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। वहीं एनकाउंटर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा ने कहा कि मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शकादत खान है, जो कि LLB का स्टूडेंट है। STF की टीम ने शकादत खान को षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा CCTV फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो अभियुक्त है फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है, तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यूटर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है, और यूटर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके फिर सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यूटर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये कर रहे थे। संगम प्रयागराज में शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में हुए शूटआउट केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके सरकारी गनर के शूटआउट केस में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कनेक्शन भी सामने आया है। जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से हुई है। यहाँ रहने वाले, यहाँ से पास आउट सदाकत खान को UP STF ने गिरफ्तार किया है। सदाकत खान पहले इसी हॉस्टल में रहता था, उसके बाद वो LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अवैध तरीके से यहाँ रहा करता था, और जिस सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई है वो गाजीपुर के
के गहमर का रहने वाला है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, सदाकत खान ही मुख्य सूत्रधार है, जो मुख्य आरोपी हैं। और जो शूटर्स थे उनके बीच बातचीत सदाकत खान ने ही कराई थी। इसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के जिस कमरे में सदाकत खान रहता था, उसी कमरे में बैठकर पूरी साजिश रची गई थी। सदाकत को जब एसटीएफ ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। भागने की कोशिश में वो डिवाइडर से टकरा गया, उसे चोटें लगी हैं। इलाज के लिए उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब सदाकत खान के जरिए ही पूरी कड़ी जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रही है, पूरा केस वर्कआउट करने की कोशिश में लगी हुई है। और पुलिस को उम्मीद है कि पूर्वांचल के रहने वाले सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज में चार दिन पहले हुए शूटआउट में 3 में मौत के घाट उतारे गए उमेश पाल के परिवार वालों ने पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश के मारे जाने पर संतोष जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उमेश पाल के परिवार वालों ने कहा कि सीएम योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी, कम से कम उसकी शुरुआत हो गई है। उम्मीद है कि सीएम योगी बाकी अपराधियों को भी ऐसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। यही बेटा कि जैसे उस दिन मेरे बेटे के जाने के बाद मुख्यमंत्री जी सुने तो उन्होंने दहाड़ा कि मैं कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो जैसे मेरा बेटा मिट्टी में मिला, वैसे शूटरों को मिट्टी में मिला। जो उन्होंने कहा वो मुझे थोड़ा एहसास हो गया और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। बरेली से जुड़े उमेश पाल हत्याकांड के तार। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बरेली जेल में छापेमारी हुई। डीएमएसपी के नेतृत्व में जिला जेल में छापेमारी की गई। जेल में बंद बाहुबली अतीक के भाई अशरफ से भी पूछताछ, उसके वार्ड की चेकिंग की गई। जिला जेल जो बीतरी चैनपुर नगर स्थित है, उसमें जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और मेरे द्वारा फोर्स के साथ निरीक्षण किया गया। बैरिकों की चेकिंग की गई ताकि कोई अवैध इस तरह की सामग्री या कोई फ़ोन वगैरह इस तरह का ना हो, और पूरी उसकी फोर्स के साथ चेकिंग की गई है और किसी तरह की सी कोई बात सामने नहीं आई। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। सपा महासचिव ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अतीक की राजनीतिक शुरुआत निर्दलीय विधायक रूप में हुई। इत्तेफाक ये है कि वो कभी सपा में आए और आज उनकी पत्नी बसपा में है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है, अपराधी को कभी किसी पार्टी ने किसी जाति के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के ही प्रोडक्ट है। बहरहाल उनकी राजनीति की शुरुआत निर्दल विधायक के रूप में हुई थी। इत्तेफाक है कि वो कभी समाजवादी पार्टी में भी आए थे और आज उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में है। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में है, मायने नहीं रखता। अपराधी को कभी भी किसी पार्टी, किसी जातु की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कानून के तराजू पर तोलना चाहिए। कानून की नज़र में अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार को रंच मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। सर, जिस तरह से भाजपा लगातार ये कह रही है इस पूरे प्रयागराज के मामले को लेकर कि समाजवादी पार्टी ने ही पल्लवित किया, और उसके बाद अब बसपा भी यही कह रही है, तो एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है कहीं ना कहीं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों गुंडों को शरण देती है, उनको विधायक और सांसद बनाती है। बहरहाल लंबे अरसे से वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। कभी कोई समाजवादी पार्टी में रहा तो इसका मतलब जो नहीं है तो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट। वो निर्दल विधायक, कभी निर्दल विधायक होने से अपनी राजनीति शुरुआत हुई थी उनकी, और वो इत्तेफाक है कि कभी सपा में आए और आज उनकी पत्नी स्वयं बहुजन समाज पार्टी में है। तो इसलिए ये कह करके हम किसी अपराधी को बख्श नहीं सकते, अपराधी को छोड़ नहीं सकते। बरेली के बहेड़ी थाने में सपा विधायक अताउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अताउर रहमान के खिलाफ जान से मारने की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। सपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने समझौता कराने के बहाने दो पक्षों को कार्यालय पर बुलाया और समझौता नहीं होने की स्थिति पर बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि जान बचाकर भागते वक्त उन पर रिवॉल्वर से फायरिंग ही हुई है।
पीड़ित की शिकायत पर बहेड़ी थाने में केस भी दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ सपा विधायक अताउर रहमान ने इस मामले में सफाई दी। ये तीन तस्वीरें हैं, किस तरीके से अताउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं उसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि दो पक्ष को अपने कार्यालय पर बुलाते हैं समझौते के नाम पे, लेकिन समझौते की स्थिति ना होने पर हमला और रिवॉल्वर से फायरिंग का आरोप उन पर लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर रहमान पर आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अताउर रहमान जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। देखिए, कल मैं बहेड़ी अपने कार्यालय पर बैठा था तो दो लोग आए, उसमें एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा भाई है, उससे हमारा रास्ते को लेकर झगड़ा है और आप थाने फ़ोन कर दो। हमने कहा नहीं, भाइयों का मामला है तो बुला लेते हैं। उन्हें ही बुलवाया, वहीं बैठ कर उनमें हो रही थी, उनमें झगड़ा हो गया आता पाई होगी। फिर हमने कहा कि भैया ये ठीक नहीं है और अभी तुम जाओ अपने घर, बाद में वहीं बुलवा देंगे। वो लोग अपने अपने घर चले गए। दो घंटे बाद पता लगा हमारे खिलाफ तहरीर पहुँच गई, तो तब हमने पता लगा कि हमने फिर उनसे पूछा भाई हमसे क्या तुम्हारी कोई झगड़ा होगा कि नहीं, तो मैंने कहा फिर हमारा नाम कायम दे दिया। तो उन्होंने कुछ बताया कि कुछ लोगों ने, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, तो किसी ने तहरीर बनाई, उन्होंने दस्तखत कर दिए और वो, लेकिन उसके बाद फिर वो थाने गए एक तहरीर लेकर कि हमारा विधायक जी से कोई मामला नहीं है, आपके प्रेस के लोग। थाना बहेड़ी में एक वादी हैं अनीस अहमद जी, उन्होंने कल थाने आके प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पक्ष से विवाद चल रहा था तो विधायक जी ने अपने ऑफिस में दोनों पक्षों को बुलाया था सुलह समझौते के लिए, और जब समझौता नहीं हो पाया तो उनके साथ मारपीट करी और फायर भी किए, तो इस तरह से उन्होंने आके थाने तहरीर दी थी, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।